जय माता जी की, जय मां भवानी। मेरे देशवासियों, कल भोपाल के अंदर उपसभापति ने वहां राजा भोज के बारे में अपशब्द कहे, उनको लुटेरा बताया। मैं आप बता देना चाहता हूं पूरे देश को कि सोमनाथ का मंदिर बनवाने वाले कोई और नहीं राजा भोज थे, केदारनाथ का मंदिर बनाने वाले कोई और नहीं राजा भोज थे, उज्जैन के अंदर महामंडलेश्वर का मंदिर बनाने वाले कोई और नहीं राजा भोज थे। बहुत नहीं सुनी क्या आपने, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। मेरे देशवासियों और खास तौर से मध्य प्रदेश के सीएम साहब कमलनाथ जी और इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, एक बात कान खोल करके सुन लो, शाकिर ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राजा भोज वो थे जिन्होंने भोपाल को बसाया था, राजा भोज वो थे तो 1000 से 1055 तक राज किया था, 55 साल तक पूरे भारत में राजा भोज का राज था। क्या समझते हो अपने आप को, तो राजा भोज के बारे में आप शब्द कहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की पूरी टीम को कनिष्ठिकों से आह्वान करना चाहता हूं, उनका भाई होने के नाते, कि ये दरिंदा माफी मांग रहे तो ठीक है, वरना पटक के इसका काला मुंह करो और पूरे देश के सामने इसको घुमाओ। आज हमारे पूर्वजों के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, अरे राजा भोज वो था उस समय नहरें, उस समय नदियों को जोड़ दिया था, वो था राजा भोज। ये अपने शब्द वापिस ले ले, वरना कमलनाथ सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे मध्य प्रदेश के अंदर। मैं करनी से नसों आह्वान करना चाहता हूं कि तुम सब मिलकर के इसको पटक करके आप लोग इसका काला मुंह करो, दाढ़ी पढ़ लो इसकी, तो हमारे पूर्वजों के खिलाफ बोलेगा जो भारत की नींव भरने के अंदर जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। कान खोल करके सुन लो, करनी सेना शुरुआत नहीं करती, पर जो शुरुआत करता है उसको जवाब करनी सेना देती है। मेरे नौजवान साथियों, और वो जवाब हमें देना है, वहां की टीम दे देती है तो ठीक है, वरना मेरे जरूरत पड़े तो मेरे को फोन करके मेरे को बुला लेना, मैं खुद आने के लिए भी तैयार हूं। पर ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए, या तो देश से माफी मांगे या सजा भुगतने के लिए तैयार रहे कांग्रेस। जय मां भवानी, जय जय राजपुताना, जय करनी सेना।